अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाबे सदर जलसा, सदर मौलिम साहब, मौलिम साहेबा, मेहमान खुसूसी, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ किस मौजू पर जमा हुए हैं, आज हम अपनी 10वीं जमात का अलविदाई जलसे के लिए जमा हुए हैं। इसकी शुरुआत हम कुरान पाक की तिलावत से करेंगे। बेजुबान को वो जबान देता है, बेजुबान को वो जबान देता है, पढ़ने को वो कुरान देता है। मैं कुरान पाक की तिलावत के लिए मधु करती हूँ अवेस को कि वो यहाँ आए और कुरान पाक की तिलावत पेश करे। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد। मैं बुलाती हूँ फातिमा को कि वो यहाँ आए और नात कुरान पाक की तिलावत पेश करे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। ما شاء الله। मैं बुलाती हूँ कुलसुम को कि वो यहाँ आए और नात पेश करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रसूलिही व यौमिल आखिरी व कद्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह والباسي بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله। तिलावत के लिए सारा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ الذي ما الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكما أزواجا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا। ABCD जोर से जल्दी 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 उस्ताद बादशाह नहीं होता, उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह बनाता है। अब मैं बुलाती हूँ तबस्सुम मैम को कि वो यहाँ आए और हमारी रहनुमाई करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सबको पता है कि आज क्या है, मतलब हम लोग जो है फेयरवेल मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, है ना। फेयरवेल क्यों मनाया जाता है, बोलिए जी। फेयरवेल का मतलब क्या है, अलविदाई जो, हाँ मतलब क्या है उसका? अलविदा मतलब अब आपको टाटा बाय बाय करने वाले हैं हम, है ना। नहीं फिर, हाँ
जी, तो मतलब आप लोग को जो है, जैसे कि आपको पता है आप 10th में हैं, ठीक है। 10th से अभी आप जो है 11th 12th में इंटर होने वाले हैं। उससे पहले जो है मतलब आपको एक जो आपकी मेन जो मतलब कि जैसे कि आपकी लाइफ की जो एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें सबसे पहला जो है फर्स्ट जो स्टेप है तो वो आपका 10th है। तो वहां से आपको मतलब नई अपनी जो रहेगी लाइफ उसमें जो है आपको नए उसमें कदम रखने के लिए फर्स्ट जो स्टेज है आपका मतलब टर्निंग पॉइंट, वहां से आपको क्या कर रहे हैं मतलब वहां से आपको एक मतलब हम ये बोल सकते हैं कि खुशी के साथ आपको अलविदा कर रहे हैं कि अब आपकी नेक्स्ट जो वो रहेगी आपकी जर्नी, जो आपका सफर रहेगा, जो आपको तय करना है, तो उसके लिए आप जो है बहुत सारे मतलब दुआएं है ना, बहुत सारी एक जो है वो रहता है ना एक लगन जुस्तजू एक जोश है ना, उसके साथ आगे आप क्या करें अपना जो नेक्स्ट जो रहेगा लेवल उसको वहां तक जाए है ना, तो उसके लिए हम मना रहे। ऐसा नहीं कि अब यहाँ से आपका सब खत्म हो गया, यहाँ से कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब आपको जो है न्यू जो आपकी जो लाइफ का जो मतलब रहेगा स्टेप उसको तय करने के लिए अभी आपको क्या करना है, बहुत सारी मेहनत करना है, ठीक है। तो ये है हमारा आज का मकसद कि आप नई जो रहेगी आपकी फ्यूचर में जो आपका जैसे 11th 12th है, फिर आप जो है नीट देंगे JEE देंगे जो भी आपका रहेगा लाइफ में आपको बनने के लिए, तो उसके लिए फर्स्ट आपको जो है क्या करना है यहाँ पर अच्छे से आपको आगे की लाइफ की जो भी रहेगी उसमें करने के लिए आपको जो है हम मतलब बहुत सारे अपने दिल से दुआएं दे रहे, ठीक है। पहली बात, अब वहां तक जाने के लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो एग्जाम जो है SSC, ठीक है, SSC एग्जाम, क्योंकि हम स्टेट बोर्ड से। अब उसके लिए आप कैसे करेंगे, तो अब तक के आपको बताया गया कि आपको जो है किस तरह से पूरा जो है सिलेबस को डिवाइड करके स्टडी करना है, तो अब यहाँ से आपको वो बिल्कुल जो है मतलब अभी तक के जितनी भी आपको जो भी मतलब इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जो भी बताया गया था, तो वो कब तक था, तो वो हमारे जो है मतलब अभी लास्ट मंथ तक के वो सारी चीजें आप पे लागू होती थी। बट अब यहाँ से जो रहेगा तो किस तरह से आपको जो है अपने आप को जो है मतलब बोर्ड के लिए और टॉपर बनने के लिए जो मतलब मेहनत करनी है, तो उसका सबसे पहले ये है कि आपको जो है जैसे कि नॉर्मल रूटीन को फॉलो करना है, जैसे आपको ज्यादा टाइम तक जो है नहीं जागना है, ठीक है। नॉर्मली आपको जो है अभी तक के आपने जो है एक एक दो दो बजे तक के अपना टाइम वेस्ट किया है ना, मतलब किसी ने स्टडी किया किसी ने नहीं किया, ऐसे ही हमने यूज किया अपना वक्त और जाया कर दिया। अगर आप जो है 1 तारीख से पहले पहले तक अगर आपका जो है एग्जाम से रिलेटेड अगर आप स्टडी के लिए यूज कर रहे हो, वरना मतलब 1 o'clock तक अगर आप जाग रहे हो रात में, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए रहेगा आपका, ठीक है। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठना है आपको और आपको जो है स्टडी करना है, क्योंकि सुबह में अगर आप स्टडी करते हो तो बहुत टाइम तक याद रहता है, ठीक है। ये एक रहेगा फर्स्ट। और इसके अलावा खाने पीने पर अपना ध्यान देना है, बाहर की बिल्कुल जो है फास्ट फूड बिल्कुल यूज नहीं करना है, अगर आप खाएंगे तो तबीयत आपकी बिगड़ सकती है, इसलिए आपको जो है मेंटेन रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है अब जो जितने भी जैसे फर्स्ट पेपर इंग्लिश है, इंग्लिश से रिलेटेड जितना भी रहेगा, तो आपको अच्छे से सारे नोट्स जो भी आपके वो बिल्कुल इधर उधर नहीं रखेंगे, एक जगह अपने जो है स्टडी टेबल पे रखेंगे ताकि आपको इजीली मिल जाए है ना, यहाँ वहाँ सर्च करने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा जो है दूसरी सारी चीजें जैसे शादियों में जाना है ना, पार्टीज में जाना, ठीक है, ये फेयरवेल था आगे हम, बट यहाँ से जितने भी रहेंगी पार्टीज वगैरह कहीं पर भी जाना है तो बिल्कुल अवॉइड करेंगे। कब तक करेंगे, तो हमारे लास्ट पेपर के दिन तक, ठीक है। और कितने भी करीबी रहेंगे तो बिल्कुल जो है आप ऑन द स्पॉट टाइम पर जाएंगे और वहां से फौरन आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है और क्या कर सकते हैं आप, तो पेपर के ड्यूरेशन में जैसे आपका पेपर फर्स्ट को है, उस दिन आप जब पेपर के लिए जाएंगे तो जाने से 1 दिन पहले क्या करना है, तो आपको जो है जैसे कि अभी हमने कहा 1 बजे तक जाग रहे हैं 2 बजे तक जाग रहे हैं सो के, बट पेपर के लिए जाएंगे तो उससे 1 दिन पहले बिल्कुल आपको जो है 8 बजे ही सो जाना है। सुबह में आप जल्दी उठिए लेकिन रात में 8-9 बजे ही सो जाएंगे, क्यों, क्योंकि जब हम पेपर को जाते हैं वहां पर जब हम जो है क्वेश्चन वगैरह जो है हम देखते हैं रीड करते हैं या फिर हमारा पेपर सॉल्व करते हैं, तो हम थक जाते हैं जल्दी, नींद नहीं होने की वजह से, थकावट की वजह से क्या होता है हम पेपर प्रॉपर सॉल्व नहीं कर पाते है ना, और उससे हमको जान पर आता है, नींद भी आती है, कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हमने जो एग्जाम हॉल में सो जाते हैं बैठे बैठे। इसके अलावा उनको लिखना जान पर आता है क्योंकि वो जो है ज्यादा टाइम तक जो है रात में जागे हुए हैं, बिल्कुल नींद नहीं हुई, जिसकी वजह से वो प्रॉपर नहीं लिख पाते, ठीक है।
तो फुल नींद होगी, आप जल्दी सो जाएंगे और जो भी पेपर की प्रिपरेशन है वो बिफोर टाइम कीजिए। उसके बाद जो रहेगा तो जल्दी आप जब सो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी नींद प्रॉपर होगी। आप जो है फूड पर ध्यान देंगे, जो डिनर रात का रहेगा प्रॉपर वे में करेंगे, ठीक है, और ऑयली चीज़ों से बचेंगे। उसके अलावा पानी की बॉटल अपनी साथ में रहेगी, और उसके अलावा बिल्कुल जो है मॉर्निंग में भी अर्ली मॉर्निंग उठकर आप जाएंगे, जैसे ही एग्जाम हॉल में जाते हो पहले जाने से पहले आपने दो रकात नमाज पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद जब आप जा रहे हो तो वहां जाने के बाद क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड करेंगे, पूरे क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम रहेगा ये नहीं कि आपने पेपर आगे हाथ में और फटाफट लिखना स्टार्ट किए, सबसे पहले केयरफुली पूरे क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। वो भी इतना नहीं कि आपको जो है बहुत ज्यादा टाइम लेना है, जस्ट 5-6 जो रहेगा आपका, मतलब कि आप 2-3 मिनट के अंदर आप पूरा अच्छे से रीड कर लेंगे। उसके बाद जो है प्रॉपर वे में पूरा जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे नहीं कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया एक पेज पर, दूसरा जो है क्वेश्चन दूसरे पेज पर लिखकर जो नहीं आ रहे हो उसके अंदर के जो रहते हैं ना अपने बिट वाले क्वेश्चन, उसके लिए प्लेस नहीं छोड़ा और फिर लास्ट में लिख दिया, तो ये गलती नहीं करना। और ऐसा होता है कि बाद में हमको जब याद आता है तो हमको लिखने के लिए प्लेस ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ लिखेंगे। जितना लिखना है लिख लीजिए, और कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे स्पेस छोड़ दीजिए, फिर आगे जब आप लिखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको जब भी वो याद आ जाएगा तो आप क्या करेंगे वहां पर फिर से बैक आकर वो आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है और बाय ओन लिखने की कोशिश करना है। अगर आपको नहीं आ रहा आंसर तो बिल्कुल आप जो है अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं और फुल मार्क्स भी दिए जाते हैं, ठीक है, अगर आपने कंटेंट के हिसाब से लिखा है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमको नहीं समझ में आ रहा तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। एक एक जो है मार्क्स की वैल्यू होती है आपका जो है, एक एक अगर कटता है मार्क्स तो आपका परसेंटेज लो हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से जो है केयरफुली सारी चीजें रीड करके आपको सॉल्व करना है। पानी की बॉटल बिल्कुल साथ में रहेगी, बार बार उठ कर नहीं जाएंगे, इधर उधर जो है बिल्कुल डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा, और दूसरों ने अगर डिस्टर्बेंस किए तो बिल्कुल आपके जो इन्विजिलेटर रहेंगे उनको आप बता देंगे, ठीक है, मतलब कि डिस्टर्बेंस अब खुद भी नहीं डिस्टर्ब होंगे दूसरों को भी नहीं करेंगे, साइलेंटली रहेंगे। सुबह मॉर्निंग में ही जो अच्छे से एक्सरसाइज और योगा तो नहीं करते होंगे लेकिन मेडिटेशन करना, ताकि ब्रेन हमारा एकदम जो है कैसे रहे, फ्रेश रहे और एक्टिवली वो परफॉर्म करे, ठीक है। और फूड भी जो है इतना हैवी नहीं लेना है जिसकी वजह से पेपर के टाइम पे हमको प्रॉब्लम हो, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, इंशाल्लाह जो है यू विल बी रॉक, है ना, तो इंशाल्लाह जो है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपने ऊपर ट्रस्ट होना, यकीन होना, भरोसा होना, है ना, पॉजिटिवली जो है अपने ऊपर जो है यकीन रखिए कि हम कर सकते हो और इंशाल्लाह आप करेंगे, ठीक है। हर चीज़ को जो है बिल्कुल नहीं हो रहा है बोल के छोड़ना नहीं है, हर चीज़ हर एक पॉइंट हर एक जो है जितने भी रहेंगे टॉपिक सभी पर जो है आपको ध्यान देना है, समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें कीजिए और इंशाल्लाह जो है आपका जो भी आगे फ्यूचर में आपने जो भी डिसाइड किए वो गोल भी आपको बिल्कुल अचीव होगा जब आप खुद के ऊपर ट्रस्ट रखेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपका फौरन हो जाएगा एग्जाम वगैरह सारी चीज़ें, तो उसके बाद जो स्टडी रहेगी उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि हमारा अब हो गया 10th, अब यहाँ से जो रहेगी 1-2 महीने की हॉलीडेज तो वो वेस्ट करेंगे, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको जो है नीट के लिए ट्राई करना है तो बिल्कुल कोचिंग ज्वाइन करके नीट के लिए आप प्रिपरेशन कीजिए, नहीं कोचिंग करते हो तो आप बुक्स अवेलेबल है मार्केट में लेकर आइए, वो जो है आप घर बैठे जो है पढ़ सकते हो, ऑनलाइन इतना कंटेंट अवेलेबल है, आप जो है बहुत सारे जो है वीडियोज अवेलेबल है देख सकते हो, है ना, सारी चीज़ों से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर ऐसे नहीं तो फिर आप जो है आपका सेल्फ देखिए, या फिर जो है आप कोई कोचिंग ज्वाइन कीजिए, या घर में भी किसी की भी हेल्प लेकर आप पढ़ सकते हो, समझ में आ रहा है, लेकिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक एक मोमेंट जो होता है हमारा तो हमारे तरक्की की तरफ लेकर जाता है, अगर आप हार्डवर्क करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर पूरा टाइम वेस्ट भी होगा और कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो अपना जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमको हमारे पेरेंट्स की वैल्यू रखनी चाहिए कि उन्होंने हमको यहाँ तक लेकर आए, है ना। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी 10th तक नहीं हुई है, मतलब उनके पास इतना नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा सके, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने उतनी मेहनत करवा कर हमको यहाँ तक लेकर आए, और आगे जब आप मेहनत करोगे उनके लिए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अल्लाह ताला की भी हेल्प होगी, प्लस जो है उन्होंने अब तक आपके लिए सोचा, अब आगे जब आप करोगे तो आप उनके लिए करोगे, है ना। तो मतलब खुद के लिए और पेरेंट्स के लिए अगर कुछ करना है तो मेहनत कीजिए, तो इंशाल्लाह जो है
आगे फ्यूचर ब्राइट होगा आपका, समझ में आ रहा है। और बिल्कुल वेस्ट डिजाइन ही करना है टाइम को, इधर भी जो है हम जो है जैसे देखते हैं आप मोस्टली क्या होता है कि हम जो है ये सारी चीजें जैसे एजुकेशन को लेकर हमारे लिए जो है बहुत अलग ही कंसेप्ट हो गया आजकल, तो वो सारी चीजों से हमको दूर रहना है। और जो हीरा होता है ना तो वो कहाँ होता है, तो कोयला मतलब इतना डार्कनेस है ना, अंधेरा है, सारे काली चीजें उसमें से आपको चमकता हुआ अगर बनना है हीरे की तरह, तो फिर हमको एक अकेले ही कुछ ना कुछ जो है करना पड़ेगा। जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका हार्डवर्क आपको उस मेहनत का फल देगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा जो है स्लोगन था, जब स्कूल को अलविदा कहने का आया था वक्त, जब स्कूल को कहने का अलविदा कहने का आया था वक्त, तब आंखों से बूंद बूंद कर बहते थे लम्बो लम्हे, जब हमने मचाए थे तूफान कूद कूद के, जब हमने मचाए थे तूफान कूद कूद के, क्या थे वो स्कूल के दिन जब हम छोटे बच्चे थे। तो आप जो है पहले भी छोटे थे, आप अभी भी छोटे हो और फ्यूचर में भी छोटे ही रहेंगे, अगर आप जो है अपने आप को जो है मतलब उस लेवल तक, मतलब कि आपका जो बचपना है वो हमेशा कायम रखिए, चाहे आप जो है किसी भी एज में जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जो है आप अपने अपने अंदर जो है खुशन की ऐसी क्वालिटी लाइए कि आप किसी भी वे पे कहीं पर भी रहेंगे तो बिल्कुल जैसे छोटे बच्चों के साथ रहेंगे, शफाकत से बिल्कुल जो है प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे, उनके जैसे बिहेव करेंगे। जब आप मैच्योर लोगों के साथ रहेंगे तो बिल्कुल वैसी मैच्योरिटी अंदर लेकर आइए, जब आप बड़ों से बात करेंगे तो उस तरह का जो है आपके अंदर क्या आना चाहिए, मतलब अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है लॉन्ग टाइम तक जो है आप लोगों के दिल में रहेंगे, समझ में आ रहा है। ठीक है, अपनी पर्सनालिटी पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह। बात करने का सलीका सबके हिस्से में कहा, बात करने का सलीका सबके हिस्से में कहा, कुछ अलग अंदाज है इस शख्स की तकरीर का। अब मैं बुलाती हूँ शकील सर को कि वो यहाँ आए और हमारी रहनुमाई करे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमारे खुसूसी मेहमान इमरान सर और जाफर सर, तो स्टार्ट करने से पहले मैं जो हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, जो हर लेक्चर में होता है कि मैं अक्सर बच्चों को मोटिवेट करता हूँ लेसन के साथ साथ। ठीक है, तो ये जो आपका है आज का फेयरवेल जो हो रहा है, मतलब ये आज का लास्ट है आपका इस साल का, है ना। और हम लोग जो क्लासेस स्टार्ट किए सन 2013 से, तो हमारी ये 10वीं बैच है, मतलब 10 साल हो गए हम ये स्टार्ट करके। ठीक है, हमारे जाफर सर काफ़ी तबसु मैम, ये दो लोग काफ़ी मतलब हमारे पुराने टीचर्स हैं और ऐसे बहुत सारे टीचर्स आके चले गए। ठीक है, तो जो मकसद है मेरा बोलने का इस वक्त मोटिवेशन का, कि हम लोग के पास, मैं जो नोट करता हूँ, टैलेंट बहुत है हमारे पास। क्या है टैलेंट, लेकिन उसका सही यूज़ नहीं कर पाते, समझे बात को। आप लोग अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे कि आप में कितना टैलेंट है, और टैलेंट नहीं होने की वजह से क्या हो रहा, वो ज़ाया हो जा रहा है। मैं मुख्तसर से एग्जांपल दूंगा कि अगर आप सपोज एक चीज़ आपको अच्छी लगती है, फुटबॉल फॉर एग्जांपल, ठीक है, और फुटबॉल में आपका इंटरेस्ट है, लेकिन घर वाले बोलते कि नहीं पढ़े करो, लेकिन आपका इंटरेस्ट किसमें, फुटबॉल में। लेकिन आप देखोगे, आपके जहन में आएगा कि अगर हम सपोज फुटबॉल में अच्छे हैं और पेरेंट्स बोलेंगे नहीं पढ़ाई कर, तो जो फुटबॉल प्लेयर है वो कैसा पढ़ते हैं फिर। आप यकीन नहीं करेंगे, जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं या बहुत ऊंचे जो प्लेयर्स है, सचिन तेंदुलकर है, बहुत सारे प्लेयर्स है, ये अनएजुकेटेड है। ये अनएजुकेटेड मीन्स क्या, 10th या 12th पास हो गए, क्या होंगे 10th या 12th, क्यों, क्या लता मंगेशकर फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि वो डॉक्टर है करके, क्यों, क्या वजह होंगे इसकी, उसको बस इतना टाइम नहीं मिला ना। ज्यादातर उन्होंने फोकस कहाँ पे करें, जिसपे उनका इंटरेस्ट था, जिसका उनपे इंटरेस्ट था उसी फोकस करें उन्होंने, है ना। तो बोलने का मकसद ये है कि आप अपने टैलेंट को समझो पहले, आप किस में एक्सपर्ट है, आप क्या चाहते लाइफ में,
मैथमेटिक्स में आपको अच्छा लगता है, साइंस, क्रिकेट, फुटबॉल, करना क्या चाहते हैं आप? क्या सिर्फ आपको सिर्फ टाइम पास करना है, किसी के सताए अपना हंसी मजाक करना है, उसमें आपका टाइम ज़ाया होता है? हमारे मोहल्ले में जैसे उस्मानपुरा में आपकी जो स्कूल है, मुझे ऐसा कोई मिला नहीं आज तक कि जो MS बनाए, आर्किटेक्चर बनाए, डॉक्टर बनाए। आज तक मैं 10 साल हो गए सर मेरे, और मैं बचपन से यहाँ से रह रहा हूँ, चौथी पीढ़ी है हमारी, लेकिन हमारे मोहल्ले से ऐसा कोई दिखा नहीं आज तक मेरे को कि बोल सके कि यार हमारे फला फला अमेरिका में आज MS कर रहे हैं, सर्जन है वो। फिर बच्चे कहाँ सीख रहे, क्यों ऐसा, क्या मसला क्या है, मतलब स्कूल अच्छी नहीं है, तालीम अच्छी नहीं है, क्या उनको गाइडेंस नहीं मिल रही, क्या वजह होंगे इसकी? जहाँ तक मेरा ऐसा तजुर्बा हुआ आप लोगों से जो मोहल्ले में देख रहा मैं, एक ही है कि टैलेंट को नहीं समझ पा रहे लोग कि हम किस फील्ड में हमारे को आगे बढ़ना है। वो नहीं समझने की वजह से हम लोग जाया हो जा रहे, रात भर जागना, फजर नहीं पता, तिलावत नहीं पता, लाइफ खत्म। आगे क्या है फिर, मजदूरी करना है हमें, क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं ना। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, ना ही आप फुटबॉल स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे, ना ही आप एजुकेशन में आगे, क्या होगा फिर आप? तो मेरा अक्सर ये होता है कि आप टैलेंट को समझो, आले से आला तालीम हासिल करो, और जो भी करोगे ना तो एक ऊंचाई तक पहुंचो। ऐसा नहीं कि आप यहां तक पढ़े छोड़ दिया आपने, तभी आपको एक रिजल्ट मिलेगा। आप क्लास लगाए आपने, आपके पेरेंट्स ने इतना फीस भरे, इतना मेहनत करे, बहुत सारे बच्चे मैं ये समझता हूँ और अक्सर दिखने में आया सर मेरे को, 10th होने के बाद नहीं गया, ये बच्चे जब मिलते हैं 11th को तो पेरेंट्स बोलते हैं यार बच्चा वो गैरेज पे लग गया, वो चाय की दुकान पे लग गया, काम कर रहा, आप क्या कर रहा। तो मकसद ये आ रहा है कि आप पहुंच रहे नहीं। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो पढ़िए आप, और सेकंड थिंग जो मैम ने कहा उस पर आप अमल कीजिए, एग्जाम कैसे देना है आपको, ठीक है? और जाफर सर और तबसम आपका शुक्रिया बहुत बहुत, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी हमारा साथ दिए। हमारे इससे पहले भी सर हुआ करते थे, अब्दुल्ला सर साहब आप वाकिफ होंगे, अब्दुल्ला सर और ताज सर, मैं अक्सर उनको भी याद करता हूँ, वो भी हमसे काफ़ी जुड़े हुए थे, लेकिन वो कैसा है कि कुछ वजुहत की वजह से आ नहीं सके, मतलब मैं कुछ कोशिश कर रहा था बुलाने के लिए लेकिन हुआ नहीं हो। तो हमारे 10 साल में ऐसे काफ़ी सर आके गुजरे, मैं सोच रहा था कि सबका एक गेट टुगेदर करना, आपको मिलाना, उनसे पूछना कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि आपको भी एक उनको वो आ सके कि हमारे टीचर्स जो है वो किधर किधर कैसा कैसा हो, क्या करें एक्चुअली वो। तो आप हमारे टच में रहो, और इंशाल्लाह ताला हम लोग अभी ऊपर का काम चालू कर रहे हैं, तो हो सके तो इंशाल्लाह 1-2 महीने में तैयार हो जाएगा वो। हम लोग एक इंशाल्लाह एक कंप्यूटर लैब स्टार्ट करने वाले, मतलब कंप्यूटर लैब बनाने वाले और कंप्यूटर पे फोकस करने वाले, क्योंकि देखो आजकल का ज़माना जो है ना वो सॉफ्टवेयर का है। आप लेडीज़ के लिए तो इतना अच्छा है ना कि अगर आप सॉफ्टवेयर लाइन में आगे ना तो आपको वर्क फॉर्म मिल जाता है जॉब, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कंपनी देती है लैपटॉप, काम करो, लाखों रुपये कमाओ, तो ये सबसे बेस्ट है, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको। तो मेरा फोकस यही है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कि मैं चाहता कि भाई हमारे मोहल्ले के बच्चे आगे बढ़े किस में, कंप्यूटर लाइन में। अगर दूसरे देखेंगे तो लगती है बहुत मेहनत है ना, बहुत मेहनत बच्चे करते हैं, पैसा कमाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या है, मेहनत भी है लेकिन पैसा भी अच्छा है, और आगे चल के जमाना पूरा किस में होने वाला है, सॉफ्टवेयर का। आप देखोगे ना हर जगह, हर जगह, इवन आप छोटे तरकारी बेचो आज तो अमेजोन मिलती हो, अमेजोन मिलता है ना, क्या है वो, जिसको अगर समझ में आ रहा है कंप्यूटर क्या है, ये क्या है, वो ऑनलाइन मंगाएगा, वो जिसको नहीं पता क्या होगा उसको। तो सीखो, कंप्यूटर के कोर्स करो, सीखो, तो इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट कर रहे हो लैब, तो जैसे आपको छुट्टी मिलती है उसका फायदा उठाओ। हाँ, और सेकंड थिंग कंप्यूटर की बात होगी, सेकंड थिंग बोलना चाहूंगा कि अपनी इंग्लिश को आप अच्छा रखो, इम्प्रूव करो उसको। क्यों, वजह क्या है उसकी, आपकी इंग्लिश जितनी अच्छी होगी उतना जल्दी आपको जॉब लगेगा, समझे बात को। आपके रीजनल लैंग्वेज क्या है, मराठी, उसमें एक्सपर्टाइज लाओ आप सिर्फ अपनी मादरी जबान को लेके मत बैठो बस, आगे चल के उसका कुछ वैल्यू नहीं है, सर को पता है। आपको 2 लैंग्वेज तो सीखना आना ही आना चाहिए, एक रीजनल लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज रीजनल, हमारी रीजनल लैंग्वेज कौन सी है, मराठी, और दूसरा है इंग्लिश। क्यों, क्योंकि वो बाहर इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो। तो जैसे ही आपको 10th की छुट्टी लगी तो इंशाल्लाह हम लोग कोर्सेज स्टार्ट करने वाले, एक स्पोकन इंग्लिश और कंप्यूटर की, तो 10th की जो छुट्टी लगेंगी ना आपको इंशाल्लाह उसका फायदा उठाओ आप, क्योंकि 11th 12th में जो आप है ना, आपका जो बच्चे, आप अभी कैसा मोहल्ले के बच्चे थे आपके, आगे जब जाएंगे 11th 12th तो आपको कॉन्वेंट के बच्चे मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे डर जाते उनकी इंग्लिश सुन के, उनका टैलेंट देख के बोलते क्या बच्चे, और वो
उनका वो होता भी हो, उतने लेवल पर जाते भी हो, सीबीएसई लेवल पर हो जाके वो क्रैक करते नीट, ठीक है। तो आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम अच्छे से दो, ठीक है। और अपनी जो तालीम है उसको पीछे मत हटो, आप ऐसा मत करो कि आप ख़त्म करना है हमें। आप जो भी काम कर रहे हैं काम करो, लेकिन तालीम को आगे तक पहुँचाओ। तालीम को पता है क्या लास्ट एंड क्या है तालीम का? आपको पता है कि पहली जो है केजी जो है स्टार्ट है, एंड क्या है तालीम का? डिग्री एंड है। क्या है तालीम का एंड? क्या है, क्या एंड? हाँ क्या है वैस? तालीम का एंड नहीं है। आप बोलेंगे पीएचडी हो गया हम डॉक्टर बन गए आप तालीम, नहीं। जो डॉक्टर लोग है आज भी पढ़ते हो, तो याद रखो, कोई बोला ना कि हम तालीम याफ्ता है तो मतलब कंप्लीट नहीं है वो स्टूडेंट, मतलब कंप्लीट है वो सब कौन है? तालिबे इल्म है। हम कौन है? हम उस्ताद लग रहे हैं आपको, लेकिन हम क्या है? तालिबे इल्म मतलब स्टूडेंट है। हम भी सीख रहे। ऐसा कोई दुनिया में शख्स नहीं है जो बोल सके कि हमको सब कुछ आता है। याद रखो हर कोई क्या कर रहे हैं? सीख रहे। तो आपको सीखना है, कब तक सीखना है, उसका लिमिट क्या है? हाँ कब तक सीखना है? हाँ जब तक आपकी सांस चल रही, आखिरी लम्हे तक सीखना है आपको। और तुम जिस दिन नहीं सीखेंगे मतलब क्या है, आप खत्म हो गए। आप यकीन मानो आपको सर्वाइव करना है इस दुनिया में, आपको रहना है इस दुनिया में, सर्वाइव करना है, तो एक चीज याद करना है, सीखना है बस। सीखना क्या? लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, सीखना क्या, क्या सीखे हम? तो एक चीज याद रखो, बहुत सारे लोग देखने में आए जो हर चीज सीख के बैठ जाते हो। एक शख्स है क्रिकेट भी खेल रहा हो, फुटबॉल भी खेल रहा हो, टेनिस भी खेल रहा हो, सब खेल रहा हो, लेकिन उसका नाम ही नहीं बन पा रहा। वो तो बोल रहा है मैं तो सब कर रहा हूँ फिर भी क्यों नहीं हो रहा हूँ। वो गलत है। वो एक ही चीज़ पकड़ो उसमें सीखते जाओ बस। अब दो डॉक्टर बन गया, वो पढ़ रहा है, लेकिन वो बिल्डिंग कैसे बनाते हो नहीं पढ़ता। हो पढ़ता क्या हो वो? क्या पढ़ता डॉक्टर? जो डॉक्टरी में लगता है कौन सी नई बीमारी है, कौन सी नई दवाई जिसमें इलाज कर सकूँ, वो इंजीनियरिंग का नहीं पढ़ेगा। हम सॉफ्टवेयर वाले जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सॉफ्टवेयर में क्या नया है अपडेट, कौन से सॉफ्टवेयर आए, क्या चल रहा मार्केट में, हम उस पर करके हम लोग डॉक्टरी पढ़ेंगे। हम लोग तो पढ़ने की लिमिट नहीं है, लेकिन वही पढ़ो जो आपका फील्ड से इसका ताल्लुक है। समझ रहे बात को? अगर आपको सॉफ्टवेयर, अगर स्पोर्ट्स में आ रहे हैं फुटबॉल में, तो फुटबॉल ही खेलो, उसके मैचेस देखो, उसके ही फॉलो करो बस उसके रूल्स। क्रिकेट में ध्यान बिल्कुल मत दो। हमारे बच्चे टैलेंट कहाँ वेस्ट करते? क्रिकेट भी खेलता हो गर्मी में, छुट्टी में फुटबॉल भी खेलता हो, तो ऐसे से क्या होता, टैलेंट जाया होता। एक पकड़ो बस, आप उसी को एंड तक लेके जाओ, बस मुझे ये करना है ये करना है। डॉक्टर बनना है वहां तक लेके जाओ, नीट करना है तो नीट ही करो, सोचो मत इंजीनियरिंग के बारे में। करना है इंजीनियरिंग तो नीट के बारे में मत सोचो। और ये वक्त है आपका, क्या ये वक्त है, इसमें अगर राइट डिसीजन नहीं हुआ तो सही वक्त पे सही फैसला लो। पेरेंट्स को बताओ आगे क्या करना है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं टेंथ के बाद क्या करना, तो इंशाल्लाह हम लोग आपके छुट्टियों में एक वो स्टार्ट करेंगे। एक मैं टाइम बताऊंगा आपको, उस टाइम में आना, मैं आपको एक गाइडेंस होता है मतलब कि टेंथ के बाद क्या करना है, तो पेरेंट्स के साथ आना पड़ेगा आपको। तो इंशाल्लाह हम सर सब मिलकर आपको गाइडेंस कर सकते हैं कि बच्चों को कहाँ भेजना है, तो उसी वक्त आप उसका फ़ायदा उठाओ। ऐसा नहीं कि देखेंगे बच्चे को, ऐसा मत करो ये बहुत, क्योंकि उसके डेट्स आते हैं एग्ज़ाम के, पता है ना आपको, उसी में फॉर्म भरना होता है उसको, उसमें आगे आना होता है। टेंथ में अगर अच्छे मार्क्स है तो क्या है आपके पास एक ऑप्शन, मैं बताया आपके से पहले, आईटीआई नहीं डिप्लोमा। आईटीआई तो लास्ट स्टेज है, सोचना भी नहीं उसके बारे में। वो आईटी एक होता है, एक होता है आईटीआई। आईटीआई के बारे में सोचो मत अभी, अभी डिप्लोमा सोचो, आईटी के बारे में सोचो अभी आप। आईटीआई मतलब क्या है? जब कुछ नहीं है, लास्ट स्टेज। आईटीआई मतलब हम एसी खोल के मैकेनिक बन के रिपेयर कर रहे हैं, वो आखिरी स्टेज है, सोचो मत उसके बारे में। पहला स्टेज है आपका डॉक्टरी में, देखो नीट देखो, मेडिकल देखो, और उसके बाद फिर आखिरी में आईटीआई। और कुछ नहीं होता, नहीं पढ़ सकते हैं तो ऐसा, और कोई बच्चा जो पूछा रहा कि भाई आप टेंथ आखिरी, हम आगे नहीं पढ़ने वाले, ऐसा कोई है क्या? हाँ कोई सोचा है अभी कि हमारा आखिरी स्टेज है अब गर्ल्स में भी ख़त्म, अपने पढ़ने वाले यहाँ से अब नहीं ना? तो पढ़ते रहो। और दो चीज़ याद रखो मैं जो बताया आपको, एक तो ये कि हम लोग जो लैब स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है वो, सेकेंड थिंग स्पोकन पे ध्यान दो इंग्लिश पे, और तीसरा पेरेंट्स को फिर लेके आना एग्जाम के टाइम लेके कि हमको ये स्टार्ट करना है क्या गाइडेंस का, वो हम लोग स्टार्ट करके इंशाल्लाह एक दो दिन चलेगा वो सीनियर, उसमें हम लोग जो एक्सपर्टाइज लेवल के डॉक्टर इंजीनियर को बुला के हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आप उसमें दे सकते हो ठीक है। तो
तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये आई होप ये मेरा आखिरी लेक्चर होगा आपके लिए इस साल, इंशाल्लाह अगले साल नए बैच आएंगे उनके लिए फिर हम चलेंगे एक साल तक पूरा। और इस केस में अगर इंशाल्लाह हमारे 11th की बैच बनती है, हम चाह रहे जल्दी से काम शुरू हो जाए हमारा, नीट का क्लास स्टार्ट होती है तो हम एक्सपर्ट टीचर को बुला के नीट का भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप उसमें इतना करना होगा कि कॉल करना पड़ेगा या मैं खुद ऐड दूंगा क्लास स्टार्ट होगी तो एग्जाम के बाद आपके, ठीक है। जब तक हमारा काम ऊपर का स्टार्ट हो जाना, हमने स्टेज काम मतलब हमारा कैसा था 11th 12th भी था 10th के साथ साथ, लेकिन जगह नहीं होने के कारण हमने क्या करें सिर्फ 10th पे फोकस करें अभी। लेकिन इंशाल्लाह ऊपर जब बन जाएगा हमारा पूरा तो लाइव भी आ जाएंगी, स्पोकन भी हो जाएगा इंशाल्लाह, और नीट का जो 11th 12th है उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे ताकि आपको अच्छे से एक सहूलत मिल सके, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, दो पेपर अच्छे से, ठीक है, अल्लाह हाफिज। जाफर सर को बुलाना चाहूंगे कि वो यहाँ आए और हमारी रहनुमाई करें एग्जाम के लिए। बहुत बहुत बधाई, और जिसको हमारे मराठी में बोलते तुम्हार सर्वाना खूब खूब शुभेच्छा। मराठी बोलो ना, समझ में आएगी क्या? अब तो समझ में आ रही क्यों? हाँ बेटा, एग्जाम के समय एक बात याद में रखना है कि रात में ज़्यादा टाइम है तो हमें ज़्यादा जागने का नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 बजे तक जागो, सो जाओ सुबह, लेकिन जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के अपने स्टडी को लग जाने का, क्योंकि सुबह का जो समय होता है हमारा जो माइंड एकदम फ्रेश रहता है और हम जो भी पढ़ते हैं वो पूरा हमारे जहन में बैठता है। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि टेंशन कुछ भी लेने का नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं एकदम टेंशन ले लेते हैं। आज भी हमारे कुछ डाउट सेशन वगैरह था, एक बच्ची ऐसी कि हमेशा टेंशन में सर, हमेशा लास्ट मोमेंट तक टेंशन में। अच्छा इतनी होशियार बच्ची थी, अभी जब प्रीलिम्स हुए एकदम मार्क्स कम गिर रहे। अच्छा पूछ रहे तो सब आ रहा है, लिखते नहीं आ रहा है। इसलिए एकदम फ्री रहने का, कोई टेंशन नहीं लेने का, याद करने का। अच्छा उसके बाद में, और इससे पहले मैंने आप लोगों को शायद बताया या नहीं बताया, पता नहीं आ रहा मुझे, कि एग्जाम में जो जब पेपर आप सॉल्व करेंगे ऐसा जरूरी नहीं कि पहला क्वेश्चन ही पहला लेने का, दूसरा लेने का, तीसरा लेने का। अगर ऐसा ले तो अच्छी बात है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पहला क्वेश्चन आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, अगर दूसरा क्वेश्चन आपको आता है मेन क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन नंबर डालने का, सब क्वेश्चन नंबर दे के बेटा वो स्टार्ट कर देने का लिखने के लिए, टाइम वेस्टेज नहीं करने का ज़्यादा। एक क्वेश्चन हो गया पूरा, उसको पेज को छोड़ दो, नया क्वेश्चन के लिए नया पेज लेने का, लिखेंगे बेटा एकदम ऐसा उसमें क्लियर लिखने का, ऐसा ज़्यादा उसमें ऐसा किचमिट नहीं होने देने का, क्योंकि जो चेक करने वाले होते हैं ये इनको जब चेकिंग पेपर जो होता है पर पेपर इनको पैसा मिलता है तो ये ज़्यादा बारीकी से देखते नहीं बैठते, ये उनको समझ में आएगा वो आपको टिक मार करते हैं। हमारा जो शुरुआत है वो हमारी अच्छी होनी चाहिए और आखिर में एंड हमारा अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में बेटा ज़्यादा तो कोशिश ये करो, जैसा कि लैंग्वेज के बारे में बता रहा हूँ कि हमारे जो लास्ट जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का है, उसके बाद में 4 नंबर के क्वेश्चन है, जिसको हम मराठी में हम उपयोजित लेखन बोलते हैं, ये ज़्यादा मार्क्स के होते हैं। तो मैं ज़्यादा तो बच्चों को बताता हूँ बेटा स्टार्ट इससे कर दो, क्योंकि बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चन है ये। अगर ये लास्ट में अगर रह जा रहे हैं अपने पास में, अक्सर हमारे उर्दू के बच्चों का प्रॉब्लम आता है कि पेपर क्यों लिखने के लिए टाइम नहीं पड़ता है, मराठी के लिए लिखने का बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए क्या करूं कि जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन है उसके पहले लिखना शुरू कर दो उसके आंसर, और कोशिश ये करो कि हम पूरा पेपर हमको लिखना है। आपको इस साल में बच्चों को बताया करूंगा स्कूल में कि 10 मिनट ज्यादा दिए जा रहे हैं, बताया आपको स्कूल में नहीं बताए, बताए हुए ना बेटा 10 मिनट ज्यादा नहीं है, आपको ये दिमाग में से निकाल दो, क्योंकि पहले जो है क्वेश्चन पेपर दिया जाता था 10 मिनट के बाद में आंसर सीट दिया जाता था चेक करने वो करने के, अभी जो है ये डायरेक्ट टाइम जब स्टार्ट होगा तभी आपको पेपर दिया जाएगा, और ये जो 10 मिनट बच रहे ये लास्ट में दिए जा रहे। तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए जो वक्त दिया जाता था ये आखिर में दिया जा रहा है, वो दिमाग में से निकाल दो। आज ही मुझे क्लास में बच्चे बता रहे थे सर 10 मिनट ज्यादा मिल गए, अब ज्यादा लिखने को मिलेगा, और दिमाग को निकालो मेरा,
तुम्हारे कोई पहले 10 मिनट थे वो उन्होंने वो करके आखिरी में 10 मिनट आपको दिए गए। इसके बाद में बेटा और एक बार आपको बता दे रहा हूं कि हमारे मराठी में और लैंग्वेज में जितने भी लैंग्वेज है उसमें पेंसिल को यूज करना नहीं है। टोटल जितने भी आपको फिगर है डायग्राम वगैरह जो भी है सब पेंसिल निकालना है। साइंस मैथ के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये तो उनको पेंसिल यूज करना है लेकिन खास करके हमारे तो इसके लिए बेटा। और जो भी नहीं आता है उसमें परेशान नहीं होने का, आखिरी में सोचने का और उसको भी लिखने कुछ ना कुछ लिख देने का, कोशिश ये करो कि चीटिंग नहीं करने की, चीटिंग चक्कर में पढ़ने का नहीं, जितना आता उतना लिखने का है ना। जैसा अभी मैम ने बताया कि योगा के बारे में, बेटा ये जो हम जो नमाज पढ़ रहे ना हाँ इसमें पूरा योगा है। अब हमारे साथ में बहुत सारे गैर मुस्लिम भी टीचर लोग आए, वो बता दे सर ये जो रामदेव महाराज ने जो बताया बता रहे बोले ये तुम्हारे पूरी नमाज में, हाँ मेरा मैंने बोला हमारे अल्लाह के नबी ने कई साल पहले बता दी, ये उनका सिक्के बता रही है। तो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने का हाँ। और जैसा कि हमने बताया कि हमारे माँ बाप के बारे में जो हमारे पेरेंट्स है जिसने इतनी मेहनत से हमको पढ़ाया है, इतना हमारे पे खर्चा किया है, बेटा उनको भूलने का नहीं, उनको माँ बाप की दुआ हमेशा साथ में रखनी है। रिश्तेदारों के हाँ भाई बहन है सबको क्या करना है, इनकी दुआएं लेके हमको चलने का, और माँ बाप की दुआ जो हमेशा काम आती है कभी भूलने का। हमारे पास में मिजाज होता है, थोड़ा सा मिजाज के खिलाफ हो जाता है हम थोड़ा जोर से बोल देते हैं जिसकी वजह से हमारे माँ बाप का दिल दुख जाता है, ये नहीं करने का। हदीस में आता है ना कि माँ बाप के उफ भी ना बोलो। उसके लिए फिक्र करो, नमाजें पढ़ते रहो हाँ, दुआएं लेते रहो, हमेशा कोशिश करो कि हमारे से कैसा जोड़ रहेगा, हमारे से तोड़ नहीं मानो, ठीक है। अब ज़्यादा वक्त नहीं लेता हाँ, आप लोग बहुत बोर हो गए अभी तक है ना, अरे इसके भी इंतजार दिख रहा है शायद आप लोगों को बेचैन हो रहे होंगे है ना, इसलिए सबके लिए मेरा बेस्ट ऑफ लक है ना। जज़ाकअल्लाह, सर ने मुझे यहाँ बुलाया बोलने का मौका दिया, मैं सर का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अब इनामात का सिलसिला शुरू करते हैं, बॉयज से शुरुआत होंगी। मैं बुलाती हूँ जैन को कि वो आए और अपना इनाम ले। अरफात, फरदीन, अफ़ान, इसरार, अवेस, अब मैं जाफर सर से गुजारिश करती हूँ कि वो तुलबा में इनामत तकसीम करे। आलम, मोहतशिम, बाबर, अब्दुल रहमान, शादाब, शकील सर से गुजारिश करती हूँ कि वो लड़कियों में इनामत। अरफात, फरदीन, अफ़ान, इसरार, अवेस, अब मैं जाफर सर से गुजारिश करती हूँ कि वो तुलबा में इनामत तकसीम करे। आलम,
मोहतशिम। बाबर। अब्दुल रहमान। शादाब। शकील सर से गुजारिश करती हूँ कि वो लड़कियों में इनामत तकसीम करें। अदीबा। समायरा। अक्सा। अब तबसु। अफीफा। उनेजा। एमन। ज्यादा बोल कर दूं तो पहले जो बजा रहे हो ना।